हाँ सो गाइस, बिहार के स्वास्थ्य विभाग में काफ़ी सारा वैकेंसी आई है। लगभग 472 पोस्ट आई है और इसका एलिजिबिलिटी अगर बात करें तो पोस्ट वाइज है। जैसे ही आप लोग जानते हैं कि मैंने हर वीडियो में ये चीज़ मेंशन करता हूँ, सिलेबस, एग्ज़ाम पैटर्न, एग्ज़ाम डेट, लास्ट ईयर कट ऑफ, ये बुक, बट इस एग्ज़ाम में ये सब एक बच्चा के अंदर क्वेश्चन आ जाता है जब भी कोई भी फॉर्म फिल करता है। तो मैं सिलेबस भी डिस्कशन नहीं करूँगा, एग्ज़ाम पैटर्न भी डिस्कशन नहीं करूँगा, हाल ही का एग्ज़ाम डेट डिस्कशन कर सकता हूँ, बुक भी डिस्कशन नहीं करूँगा, ठीक है, और सैलरी भी डिस्कशन नहीं करूँगा, सिर्फ फॉर्म के बारे में ही डिस्कशन करूँगा। बाकी आप लोग जा सकते हैं, ठीक है, कैसे क्या करना है जो है सो डिस्कशन करूँगा। क्यों क्यों ये सब डिस्कशन नहीं कर सकता हूँ? बिकॉज कुछ भी ऑफिशियली नहीं दिया गया है गाइस, जो भी है आपके आगे मैं फैक्ट बाद में बोल रहा हूँ, ठीक है। और सब यूट्यूब चैनल के जैसे नहीं है कि मैंने ये सब लिखने को लिख दिया और अपने मन से बोलते जा रहे हैं, ठीक है। जो नोटिफिकेशन ऑफिशियली आया है, ठीक है ना, उस पर क्या लिखा है मैं उस अकॉर्डिंग आपको समझा के बता सकता हूँ, ठीक है। सो देखते हैं आगे की ओर। और आप लोग न्यू हैं तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जैसे ही अगर मान लीजिए मुझे उसका सिलेबस या एग्ज़ाम पैटर्न या इवन कुछ भी, जैसे सपोज डैट मुझे आइडिया मिलता है या मालूम होता है या ऑफिशियली देता है, तो मैं कोशिश करूँगा आप लोग के पास तुरंत अवेयर करने का, जैसे कि करता हूँ। तो आप लोग टेलीग्राम पर भी जुड़ जाएंगे अगर आप लोग टेलीग्राम पे चैनल है तो, अगर आप लोग टेलीग्राम पे हैं तो, ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और हाँ, बेल आइकन दबाना भूलिएगा नहीं गाइस। सो देखते हैं आगे की ओर। सो ये आपका एक बात करें तो ये आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन ये यही दिया गया है गाइस। और मैं आप लोग को बोलूँ कि फॉर्म जितना जल्दी हो सके इतना जल्दी आप लोग फॉर्म भर दें। और आप लोग सैलरी देखते हैं, 43,000, मतलब सैलरी काफ़ी ज़्यादा सैलरी है, ठीक है, और आपका सैलरी काफ़ी है, ठीक है। सो एक एक करके हम डिस्कशन करते हैं, इससे पहले कब आवेदन करना है, कोशिश करना है जितना जल्दी हो सके इतना जल्दी आप लोग फॉर्म फिल कर दें, क्योंकि बिहार का सर्वर में कभी कभी प्रॉब्लम भी क्रिएट हो जाता है। सो कोशिश, मुझे आशा है कि आप लोग फॉर्म जल्दी भर देंगे। फॉर्म आपका 6/7 से स्टार्ट हो जाएगा और ये कब तक चलेगा? 26/7 तक चलेगा और शाम के 6 बजे तक चलेगा, ठीक है। सो गैस, इसमें पोस्ट कम या बेसी भी हो सकता है। सो नोटिफिकेशन में मेंशन है, एग्ज़ाम डेट के बारे में मैं लास्ट में बताऊंगा, ठीक है, और क्या कैसे हैं, ठीक है। और इसका फॉर्म का फ़ी का गैस बात करें तो 250 रुपया है, ठीक है, और STSC के लिए 250, सॉरी, जनरल के लिए 500 है, STSC के लिए 250 है गाइस, ठीक है ना गाइस। देखो रात को 2 बज रहा है ना, इसीलिए थोड़ा सा मुझे भी नींद आता है ना। सो गाइस, एज लिमिट कब तक आप लोग को होना चाहिए, ठीक है, मिनिमम तो दिया नहीं है बट मैक्सिमम 37 ईयर्स होना चाहिए, ठीक है, और फीमेल का 40 ईयर्स एज आप लोग को है तो आप लोग इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। 472 पोस्ट है टोटल गाइस। बात करें ब्लॉक हेल्थ मैनेजर में कितना वैकेंसी है गाइस, तो उसमें अगर बात करें, सो इसमें हम यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं किसमें कितना कितना वैकेंसी है, ठीक है। सो एक नॉर्मली है, आप लोग यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं और अपने अकॉर्डिंग आप लोग का जो भी क्वालिफिकेशन है, ठीक है, यहाँ पे आप लोग को क्वालिफिकेशन दिया गया है, मास्टर ऑफ द पब्लिक हेल्थ या कुछ भी और भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा आप लोग को रिप्लाई दें, या आपके काफ़ी सारे मित्र मिलेंगे टेलीग्राम पे तो आप लोग टेलीग्राम पे जुड़ जाएँ, ठीक है ना। MBA का 2 ईयर फुल टाइम आपका PG डिप्लोमा होना चाहिए, ठीक है। सो ये काफ़ी सारा आप लोग का है और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पर, ठीक है। BSc नर्सिंग एंड पोस्ट है तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है, ठीक है ना, रीजनल नर्सिंग, ठीक है ना। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जो जनरली है, ठीक है। सो गाइस, आप लोग को अगर, मुझे लगता है कि आप लोग अपने क्वालिफिकेशन हिसाब से, अच्छा यहाँ पे BTech अगर आप लोग किए हैं कंप्यूटर साइंस से, फिर भी वो भी फॉर्म फिल कर सकता है, मतलब यहाँ इंजीनियर का भी डिमांड है गाइस, ठीक है। सो गाइस, कुछ यही है, कुछ ज़्यादा हाई फाई नहीं है। और मैं आप लोग को दिखा दूँ, और क्या क्या दिखा दूँ, एक मिनट, ये आपका क्वालिफिकेशन हिसाब से आप लोग वैकेंसी भर सकते हैं, जो भी आपका क्वालिफिकेशन है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप लोग मुझे बता देंगे कि सर मुझे समझ में नहीं आया, तो मैं कोशिश करूँगा आप लोग को अगेंस्ट वीडियो बनाने का और आप लोग को समझाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। सो गाइस, कुछ देखिए, ये आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन कुछ दिया नहीं। एग्ज़ाम का बात करें गाइस, देखो इलेक्शन है, जाहिर सी बात है, तो इलेक्शन से पहले अभी तो होगा कुछ भी नहीं गाइस, इलेक्शन सेप्टेम्बर में है तो सेप्टेम्बर के बाद ही कुछ हो सकता है। हाँ, बट इलेक्शन के टाइम में वैकेंसी तो आना जान आप लोग भी जानते ही होंगे भाई, इलेक्शन है तो वैकेंसी निकालना ही है। सो इसी अकॉर्डिंग निकाला है
और देखिए कब तक प्रोसेस हो जाएगा। इवन 3 मंथ तो आप लोग मान ही लीजिए, ठीक है ना। आगे कितना टाइम लगेगा वो मैं नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि ऑफिशियली नहीं दिया। अगर ऑफिशियली कुछ भी अपडेट या कुछ मुझे और भी आइडिया मिलता है तो मैं कोशिश करूँगा आप लोग पास तुरंत अपडेट करने का। सो गाइस थैंक यू और हैव ए नाइस डे।